ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे तल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात। चार टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। शेम शेम फूल है हमारे लिए। हाँ जी, उन्हें आना चाहिए या हमारी। ये नवाज शरीफ जरदारी, उसका बेटा, एक जगह पर मिले हूँ। मैं अपने बाप का नहीं, मैं पैटी बांध कर डजन बैठ कर मुल्क आजाद कर दूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डीपी और स्वागत है एक बार फिर से न्यू रिएक्शन वीडियो पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लिया हूँ रियल एंटरटेनमेंट चैनल से, तो ये जो वीडियो है बहुत मजेदार होने वाला है। इसमें एक अंकल है, बुजुर्ग अंकल, 17 ईयर का, 70 साल का एक अंकल बोल रहे हैं कि मैं खुद के शरीर में बॉम्ब बांधकर पाकिस्तान के सरकार को उड़ा दूंगा, पूरा फैमिली को उड़ा दूंगा। तो चलिए, वीडियो बहुत मजा आने वाला है। आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सऊदीया के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि G20 की मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की हैं, उससे पहले उन्होंने आना था इस्लामाबाद में, जो कि उन्होंने अपना विजिट पोस्टपोन किया, कैंसिल किया और डायरेक्ट इंडिया चले गए। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो प्रिंस सलमान थे उनको जाना था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, बट उन्होंने अपना वीजा कैंसिल किया और डायरेक्ट इंडिया आ गए। से बात करेंगे कि क्या ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात नहीं है। इसके अलावा इंडिया में G20 की मीटिंग को लेकर बांग्लादेश को बुलाया गया, इजिप्ट को बुलाया गया, इसके अलावा कुछ और इस्लामिक कंट्रीज हैं, नाइजीरिया को बुलाया गया, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? और जिस तरीके से नेबर कंट्री के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के या पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, क्या उतनी ही तेजी से पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब होने की तरफ नहीं जा रहे? ईरान की बात करें, रिलेशन खराब, बांग्लादेश की बात करें, रिलेशन खराब, अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन खराब, और अब सऊदीया भी हमें इस तरीके से इग्नोर करता नजर आ रहा है। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या वजह समझती है, जानेंगे इस वीडियो में। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे तल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार, उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांगत है, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था? उसने फूलों वाले इनको, हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने दलाल ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरे मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हम उनके पास 650 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। OECD ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन आपको देंगे UAE, सऊदीया, कतर और ईरान वगैरह मिलकर। जो देखने वाले बताइएगा कि क्या वाकई में $100 बिलियन जी, $100 बिलियन का OIC की तरफ से ऐलान किया गया है। मेरे तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन अगर ऐलान OIC $100 बिलियन देंगे पाकिस्तान को, पता नहीं भाई, हो सकता है मेरी किया भी गया है। तो अभी इतने हालात खराब है, आज हमें हेल्प की जरूरत है, कब देंगे? 6 माह बाद देंगे या साल बाद देंगे? वही आएगा इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसके चार टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, कश्मीर, कश्मीरी लोग कश्मीर था को तो हराम ज्यादा तो यार चलो काट रहा, और इस हराम ज्यादा ने हमारे ये भी गाली है, ये भी गाली। अच्छा, इन लोगों ने अंकल इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अमूमन गाली निकल जा रहा है, बेच दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, ये इसने ये टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। मैं अब वो बात करने लगा हूँ जो काट देना बाद में। ठीक है, खुदा की कसम, ये नवाज शरीफ जरदारी, उसका बेटा, एक जगह पर मिले हूँ, मैं अपने बाप का नहीं, मैं पैटी बांध कर डजन बैठ कर मुल्क आजाद कर दूँ। मैं मुल्क आजाद करा, 70 साल खुद कुछ हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, मैं कर दूंगा इनको, मैं आजाद करवाऊंगा। यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर करता चलूं, अंकल ने जल्दबाज में कहा कि खुद कुछ हमला कर देंगे या कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेनू नजर आया
मैं कर देगा खुद का हमला एक इन्हीं को बाम तक भी कंट्री से हमारे ये हमारे साथ तजारत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, और कभी दौर था बड़े मजबूती बड़े अच्छे रिलेशन थे सऊदीया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी थी इनके साथ, बड़े अच्छे रिलेशन थे, लेकिन डे बाई डे वक्त के साथ साथ ये मामला खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो हम समय में तन्हा हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। हमारी गलती है या पाकिस्तान में जो कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई ये ना अमेरिका की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, ये जो है इंडिया की साजिश है, ये पाकिस्तान डेवलप नहीं कर रहा है इसमें इंडिया की साजिश है कंसेप्ट है या हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम तन्हा हो रहे हैं। अंडरस्टूड बात है, हमारी अपनी गलती है, किसी का कोई कसूर नहीं है, हम अपने खुद एबिलिटी रखे हैं, हम हर चीज खुद कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमारी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई क्रिएटेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम बस अमेरिका पे डाल जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद अपनी हम अपनी ब्यूटी में खुद। आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से माहौल चल रहा है चाइना यहाँ पे आएगा, प्रॉपर मार्केट को कैप्चर कर लेगा, प्रॉपर यहाँ पे बिजनेस चाइना करेंगे, इवन शॉपकीपर भी चाइनीज होंगे, और हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एक माहौल बन जाएगा। भाई ने बिल्कुल सच कहा, चाइना पाकिस्तान पे इस कदर हावी है कि अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सब पाकिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, वो गुलाम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर फायदा क्या जो हमने 76 साल जो उनसे आजादी के नाम पे ये सारे गुजार दिए, और जो उनसे हमने 1947 से पहले की बात करें, हमने जो उनसे आजादी के नाम पे पता नहीं कितने खून बहा, तो उसका फायदा क्या जब एट दी एंड फिर किसी ने हमारे पे हुक्मरानी करनी है। भजन मसला ये है कि हमारे एक्सटर्नल इंटरनल मामला हमारे हुक्मरान है, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, उनको इस चीज़ का कोई मसला मसाइल नहीं, वो बस चुप करके लूटते हैं, पैसा खाते हैं और निकल जाते हैं, जो लोन आते हैं, जो कर्ज आते हैं, आम को क्या मिलता उससे। ठीक तरीके से सऊदीया के जो उनसे प्रिंस थे, उन्होंने इस्लामाबाद स्टे करना था, आना था, लेकिन वो नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये हमारे लिए थोड़ा सा शेमफुल है या हमें थोड़ा सा इंसल्ट फील करनी चाहिए। शेमफुल है हमारे लिए, हाँ जी, उन्हें आना चाहिए या हमारी। ठीक हो गया, आप इसके ऊपर भाईजान क्या कहेंगे, ये सारी आपने जो गुफ्तगू सुनी भाई की, आपको नहीं लगता कि OIC को हमारी हेल्प करनी चाहिए और इस तरीके से हमें भी दुनिया के साथ मिलके काम करना चाहिए। सारी बात है, साथ साथ मिलके करेंगे काम तो फिर आगे बढ़ेगा। बोले तो दोस्तों, देखा इस वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तान के आवाम पागल हो चुका है। एक अंकल तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और बाकी सारे आवाम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के आवाम को भी समझ में आने लगा कि हमारा मुल्क चाइना से गुलाम होने के कगार पर है। चाइना बढ़िया से अपना सारा बिजनेस वगैरह वहाँ पर दुरुस्त कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, नमस्ते।